हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल था द्विवेदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं कि हमने आज क्या बनाया। आज हमने बनाया डोसा, तो उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो हमने 3 कप उड़द की दाल ली है, तो 6 कप चावल लेंगे। अगर आप 1 कप उड़द की दाल लेंगे या 1 गिलास लेंगे तो 2 गिलास चावल लेना है। बस यही है कि मतलब अगर एक कोई चीज़ एक लेना तो उसका दुगना चावल लेना है। जैसे कटोरी में आप लीजिए, मेजरमेंट करिए, चाहे गिलास में करिए, चाहे कप में करिए। तो मेरे पास ये मग था, मैं मग से ही करती हूँ, चावल भी बनाती हूँ तो मग से ही दाल भी ऐसे ऐसे लेती हूँ, मुझे इसी से आइडिया आता है। तो ये मैंने 3 कप वो उड़द की दाल लिया था, तो मैंने 6 कप चावल लिया और इसको भिगो के मैंने रात तक रख दिया। और फिर इसको मॉर्निंग में देखिए, इसको ये मॉर्निंग का टाइम का है, तो अभी मॉर्निंग में मैंने इसको पीस के रख दिया। अब इसको हम पूरा दिन ऐसे रखे रहेंगे और नमक मिला के रख देंगे, जिससे अच्छा सा इसमें फूल जाए डोसा। और फिर देखिए, अब ये देखिए रात का वीडियो है, तो कैसे डोसा फूल गया है और खमीर अच्छे से बन गया है। तो हमको डोसा पहले रात को भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर हम रात भर भिगोएं तो सुबह पीसेंगे। अगर आप सुबह भिगोएंगे तो रात को पीसे, रात भर रखे रहने दीजिए ऐसे, फिर पीस के। तो ये देखिए, मैंने इसको रात भर पीस के ऐसे रख दिया था, सॉरी पूरा दिन रखा था मैंने। और इसको देखो फूल गया था, तो इसको फेंटना पड़ता है अच्छे से, जिससे कोई भी लंग्स या गुठलियाँ ना रह जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, फूलने के बाद मेरी थाली में बहुत सारा लग गया था। तो चलिए, पहले डोसा बनाने से पहले मैं मसाला डोसा की तैयारी करती हूँ। तो मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है, मूंगफली भुनना है। और तो पहले आलू को या मसाला उसका तैयार करते हैं डोसा का। तो यहाँ पे बस वही आलू की सूखी सब्जी जैसे बनाना है, आप इसमें आप मूंगफली डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं फ्राई करके आलू में की सब्जी में। और बट मैं तो सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि अथर्व नहीं खाता है ये सब, तो उसको सिंपल सा आलू का मतलब मसाला डोसा उसको पसंद है। तो ये देखिए, मैं सिंपल से कड़ी पत्ता लहसुन मिर्ची से फ्राई कर तड़का लगा के ये देखिए आलू का ये बना रही हूँ वही मसाला डोसा के लिए। तो ये बना रही हूँ और थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया पाउडर, बाकी मतलब सेम आप जैसे सब्जी फ्राई करते हो, आलू की सूखी सब्जी बनाते हो आप, उसी तरह इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी आलू भी मैंने उसको मतलब थाली में ही मैश कर लिया था, क्योंकि इसमें मतलब गुठलिया जैसे ना रह जाए, अच्छा सा पेस्ट इसका बन जाए मतलब स्मूथ। और देखिए, ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं मूंगफली को भूनते हैं और मतलब चटनी की तैयारी करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। और मूंगफली को भूनने के बाद थोड़ा ठंडा होना, क्योंकि गरम गरम ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। तो मूंगफली को अब ठंडी हो चुकी थी मेरी, तो मैं इसमें मैंने डाला था लहसुन, अदरक और मिर्च, जितना आप टेस्ट चाहते हो नमक। और फिर इसको ग्राइंड करने के बाद बस इसको तड़का लगा दिया मैंने। तो मूंगफली की चटनी बनाना बहुत ही ईजी है। और इस और देखिए, इसको मैंने ग्राइंड करने के बाद इसको तड़का लगा दिया सिर्फ कड़ी पत्ता से और थोड़ा सा जीरा से मैंने इसको तड़का लगा दिया। तो इस तरह ये मेरी मूंगफली की भी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। और अब इसको मैं थोड़ा फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के बाद, इससे अच्छा टेस्ट आए। और अब चलिए बनाते हैं, सांभर की तैयारी करते हैं। तो सांभर के लिए पहले मिक्स दाल लेना है, इसमें उड़द की दाल, मूँग की दाल और तुअर की दाल, जितनी भी दाल मिक्स करना चाहते हैं, या प्लेन दाल की भी बना सकते हो सांभर आप। तो ये देखिए, मैंने दाल बनाने के बाद बस मेरे पास ज़्यादा सब्जियाँ कुछ नहीं थी, तो इसीलिए मैंने प्लेन सांभर ही बनाया। आप उसमें सब्जियां कोई जैसे कद्दू और ड्रम स्टिक, मतलब उसको सहजन बोलते हैं हमारे इधर, तो उसको मुनगा बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं, बैंगन डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, कैरेट। तो मैं तो प्लेन ही बनाने वाली थी। और तो यही सेम जैसे दाल फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई करना है, इस बस इसमें टमाटर की क्वान्टिटी और कड़ी पत्ता से फ्राई करना है, टमाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा कर देना इसमें। और आप अगर ज़्यादा खट्टा चाहते हैं तो इमली, आपके पास इमली का हो तो इमली का खटाई आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आपके पास आम की खटाई हो तो आम को डाल सकते हैं, बट मेरे पास इमली नहीं था, वही मेरा आम का ही रहता जो सूखा के रख लेते हैं आम को गर्मियों के सीज़न में, तो उसी को मैं यूज़ करूँगी। तो देखिए, मैंने दाल डाल दिया दाल, और फिर इसमें आम का ये जो देखिए आम का सूखे हुए, मैंने इसको हमारे इधर हम करिया बोलते हैं, तो इसको डाल दिया। इसके से ही मतलब इसमें खट्टापन आएगा सांभर में, सांभर मसाला, गरम मसाला सब कुछ ऐड करना है। और फिर ये मेरा अच्छे से बॉयल हो गया, पकने के बाद मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया धनिया पत्ती।
तो ये देखिए मेरी सांभर भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं डोसा। डोसा में मेरा थोड़ा नमक कम था, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्लेन डोसा बना के रख लेते हैं, क्योंकि अथर बस को मसाला डोसा पसंद है मुझे, और मेरे हस्बैंड को मसाला डोसा पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं प्लेन डोसा बनाती हूँ। और मेरा तवा थोड़ा पुराना हो गया था, तो थोड़ा इसमें थोड़ा दिक्कत करता है निकलने में, बट बन जाता है, अभी काम चल जाता है, तो इसलिए मैंने नया है मेरे पास, पर मैं नया वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी यही तवा मैं यूज़ कर रही हूँ। पैन डोसा पैन है जो मेरे पास, तो देखिए और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है, ऐसा नहीं है, बस इसको नाइफ़ से साइड साइड पकड़ लेता है, तो नाइफ़ से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने ये सारे प्लेन डोसा बना के रख लिया था, रख नहीं लिया था, उनको देते जा रही थी खाने के लिए, क्योंकि उनको प्लेन डोसा ही पसंद था, अथर्व को मसाला डोसा पसंद है। तो अब इसके बाद मैं फिर बनाती हूँ अथर्व के लिए मसाला डोसा। और तो देखिए प्लेन डोसा बन के रेडी हो चुके थे, तो मैंने अपने लिए भी प्लेन ही डोसा बनाया था, कि मेरा मन भी नहीं था मसाला डोसा खाने का। अब बनाते हैं मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड, बस क्या है इसमें टाइम ये लगता है कि मतलब रात को भिंगोना है, फिर मॉर्निंग में पीसना है, पूरा दिन रखना है डोसा को, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तुरंत इंस्टेंट डोसा नहीं बना सकते। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैंने एक रेसिपी और शेयर की थी अपनी, मैदा और रवा की या सूजी की, तो उस वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये फ्रेंड फाइनली मेरा मसाला डोसा बनके रेडी हो चुका है, और एक ही दो बनाना है। तो फ्रेंड ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर लाइक कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको अच्छा लगे तो। और मैं ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस मैं क्या करती हूँ, क्या नया चीज़ ट्राई करती हूँ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें बताइएगा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए हम कुछ भी शेयर करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड बस यही था मेरा सिंपल सा मसाला डोसा और प्लेन डोसा की रेसिपी, और सांभर की रेसिपी, और नारियल की चटनी बना सकते हैं आप इसके साथ, या मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं, बट मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी।